फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के क्रूज पार्टी ड्रग केस में फंसे अपनी बेटी आर्यन खान को बेल दिलवाने के लिए वकीलों की पूरी फौज उतार दी है। इस केस की पैरवी पहले वरिष्ठ वकील सतीश मानशिंदे ने की थी, जिन्हें रिया चक्रवर्ती केस में मुकदमा लड़ा था। इसके बाद हिट एंड रन केस में सलमान खान को बरी करवाने वाले अमित देसाई ने भी आर्यन की तरफ से पक्ष रखा। अब भारत सरकार के पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी आर्यन खान की जमानत पर उनकी तरफ से बॉम्बे हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई में जिरह करेंगे। मुकुल रोहतगी 2002 के गुजरात दंगों से जुड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार के वकील रहे थे और हाल ही में कहा था कि शाहरुख खान के बेटे को बेल दी जानी चाहिए। इतना ही नहीं, शाहरुख खान ने अपने बेटे आर्यन को जमानत दिलवाने के लिए लॉ फर्म करंजावाला एंड कंपनी को भी उतारा है। उसके अलावा रूबी सिंह आहूजा और संदीप कपूर की टीम भी बॉम्बे हाईकोर्ट में अपने मुवक्किल आर्यन खान को जमानत दिलवाने की वकालत करेंगे। वकीलों की इस फौज में आनंदी फर्नांडिस और रुस्तम मुल्ला जैसे बड़े नाम शामिल हैं। कौन है करंजावाला? अपनी पत्नी माणिक के साथ करंजावाला एंड कंपनी की स्थापना करने वाले रायन करंजावाला की व्यापार और राजनीति जगत की बड़ी हस्तियों के साथ घनिष्ठ मित्रता है। उनके अंतर्राष्ट्रीय मीडिया मुगल रिपोर्टर्स मंडोक टाटा अंबानी और वाडिया के साथ साथ पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह के साथ संबंध रहे हैं। भारत सरकार में केंद्रीय वित्त मंत्री रहे दिवंगत अरुण जेटली उनके घनिष्ठ मित्र थे। वो उनसे पहली बार कॉलेज में मिले थे। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।